स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, इसके फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 के फर्स्ट टॉपिक का नेम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल को सिंपली डिफाइन करते हैं। आर टेबल विच कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, मतलब ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स को कॉलम्स मतलब ग्रुप्स और रोज मतलब पीरियड्स में रखा गया है। अब सवाल आता है स्टूडेंट कि एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज क्यों किया गया है। एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में इसलिए अरेंज किया गया है कि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से स्टडी कर सकें और ये जान सकें कि वो कैसे और किन एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम इस पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री को देखते हैं कि कैसे ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया और कौन कौन से साइंटिस्ट ने इस पे काम किया। वैसे तो इसकी हिस्ट्री बहुत ही वसी है, लेकिन यहाँ हम चंद उन साइंटिस्ट की बात करेंगे जिनका काम बहुत ही यादगार रहा, जिसमें सबसे पहले साइंटिस्ट का नेम है अल राज़ी। अल राज़ी का ताल्लुक अरब से है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन अल राज़ी ने ही की थी। अल राज़ी ने एलिमेंट्स को उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर अलग किया था। इसके बाद सेकंड साइंटिस्ट जो कि डॉपनियर हैं, ये जर्मन थे। डॉपनियर ने एक ला ऑफ ट्राइएड्स बनाया। ला ऑफ ट्राइएड्स के मुताबिक तीन एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज करें कि दो साइड्स वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास की एवरेज मिड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगी। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट लिथियम, सोडियम और पोटाशियम हैं। लिथियम का एटॉमिक मास है 7, पोटाशियम का है 39। अगर 39 और हम 7 की एवरेज निकालें, मतलब 39 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 करें, तो आंसर आता है इक्वल टू 23, और 23 सोडियम का एटॉमिक वेट है। इसका मतलब हुआ द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मैसेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स ऑफ आर ट्राइएड। मतलब ट्राइएड क्या है कि जो दो एलिमेंट्स हैं साइड्स वाले, उनके एटॉमिक मास की एवरेज निकालो तो जो मिड वाला एलिमेंट है उसका वो एटॉमिक मास होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट, उसका नेम है न्यूलैंड। न्यूलैंड एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया, जिसके मुताबिक इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस, एवरी 8th एलिमेंट हैड सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन विद द फर्स्ट वन। अगर एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया जाए कि उनके एटॉमिक मैसेस बढ़ रहे हों, तो हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से प्रॉपर्टीज़ में सेम होगा। मतलब पहले एलिमेंट की और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक जैसी होंगी। इस तरह न्यूलैंड ने 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया। न्यूलैंड के बाद मेंडलीव्स आता है। मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट था। इसने 105 एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप्स में अरेंज किया था, और किस बुनियाद पे किया था, उनके एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पे। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहता है इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर। अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पर अरेंज किया जाए तो एक ख़ास मैनर से, मतलब एक ख़ास तरतीब से, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। मतलब स्टूडेंट, अगर ग्रुप के एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपको आती हैं, तो दूसरे एलिमेंट्स जो उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप गेस कर सकते हैं। मेंडलीव के बाद मोज़ले आता है। उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर अरेंज किया, जो आज का लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज
in ascending order of their atomic numbers. Their chemical properties repeat in periodic manner. अगर एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर अरेंज किया जाए तो एक ख़ास तरतीब से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। ये स्टूडेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल था जिसमें 5 साइंटिस्ट ने यादगार काम किया। नंबर 1 पे अलराजी हैं, नंबर 2 पे डॉबनियर है, नंबर 3 न्यूलैंड, नंबर 4 मैनलीव एंड लास्ट मोजले हैं। अब कुछ बेसिक डेफिनेशन स्टूडेंट आपको आनी चाहिए। आपको मालूम है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटम के सेंटर मतलब मिड में दरमियाने वाले हिस्से में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इन्हीं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब प्रोटॉन की तादाद प्लस न्यूट्रॉन की तादाद किसके बराबर आती है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के।